सुंदर और मोहक बच्ची है ये रामा। मुख पर कैसा अलौकिक तेज है इसके। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? बड़ी दुविधा में हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्यों, क्या हुआ? ये सब गुड़िया देख रही हूँ ना, ये सब मैंने स्वयं बनाई है। अरे वाह, तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? तुम्हारी सभी गुड़िया अत्यंत सुंदर और मनमोहक है। तुम सच में एक उत्कृष्ट कलाकार हो। हूँ ना? हाँ बिल्कुल, माँ की शपथ। परंतु जब मैं किसी को अपनी पसंद की गुड़िया देना चाहती हूँ तो वो कोई और ही गुड़िया मांगता है, कोई और गुड़िया बेचना चाहती हूँ तो वो कोई और ही गुड़िया मांगता है। कोई कहता है कि किसी गुड़िया का सर बहुत बड़ा है, कोई कहता है कि किसी गुड़िया के हाथ पर बहुत छोटे है, किसी को इसके कपड़े नहीं भाते तो किसी को इसकी की सज्जा, किसी को मेरी कला परिश्रम और सच्चाई का कोई महत्व ही नहीं। सोचती हूँ कि गुड़िया बनाना ही छोड़ दूँ। अरे क्यों, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? किसी और के आकलन करने से तुम्हारी अपनी प्रतिभा तो कम नहीं हो जाती ना? कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, तुम तो हमेशा वही रहोगी जो तुम हो, एक उच्च कोटि उत्कृष्ट कलाकार। और फिर ये आवश्यक भी तो नहीं कि हर कोई तुम्हारी प्रतिभा समझे। यदि कोई तुम्हारी प्रतिभा नहीं समझता तो ये उसकी दृष्टि का अवगुण है। उसके लिए स्वयं पर या अपनी प्रतिभा पर संदेह करना तो उचित नहीं ना? पीछे हट जाना भी उचित नहीं, सब कुछ त्याग देना भी। मैं आज ही अपना त्याग पत्र मेल भिजवा दूंगा। उचित नहीं। धन्यवाद। वो किस लिए? मुझे ये समझाने के लिए कि मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। ये लो, ये तुम्हारे लिए। कल्याण हो। गुरुजी वाह, मतलब वाह, किस चतुरता से आपने भरे दरबार में उस पंडित का उपहास उड़ाया और उसे उसका स्थान दिखाया। किस होशियारी से आपने उसे स्मरण कराया कि आप हैं वो हैं, मतलब आप हैं वो हैं। गुरुजी आनंद आ गया गुरुजी। आया ना आनंद? नहीं, पूछ रहे हैं गुरुजी, आपका भक्त आनंद कृष्णा आने वाला था, आ गया क्या? जो आपके कहने पर घर की खाद्य सामग्री लेकर आने वाला था। वो क्या है ना गुरुजी, जब से आप लुटपिट गए हो, मतलब जब से ये घर लुटपिट गया है, ढंग का खाना ही नहीं मिला। अब तो स्वप्न में भी खीर पूरी आने से कतराने लगी है। मिलेगा मिलेगा, आज भोजन मिलेगा 56 भोगों का। वो हमारा शिष्य आनंद कृष्णा खाद्य सामग्री पहुंचा गया होगा और तुम्हारी गुरु माता ने पकवान बना दिए होंगे। खाना जी भर के खाना। हाँ तो गुरुजी, जल्दी से बुलवाइए ना गुरु माता को और लगवाइए भोजन, हमें बहुत तेज भूख लगी है। मुझे तो चक्कर भी आने लगे। क्यों नहीं। अरे सुनती हो? जी प्रभु, यही है, यही थे और यही रहेंगे।
भला आपके चरणों का स्वर्ग छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं? आपका स्वागत है। ठीक है ठीक, अरे ठीक है। अच्छा ये बताओ, हमारा शिष्य आनंद कृष्णा खाद्य सामग्री दे गया? जी स्वामी, पहुँचा गया। तो पकवान वकवान बनाए? अच्छी स्वामी, बनाए है ना। क्या क्या पकवान बनाए? लगभग सभी पकवान बनाए हैं स्वामी, पूड़ी, हलवा, सब्जी, लड्डू। बस गुरु माता, अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं होगी। आप जल्दी से अंदर जाइए, व्यंजन परोसिए, हम टूट पड़ेंगे। कैसी बातें करता है पगले, ये तुम्हारे कहने की प्रतीक्षा करते? हमने भोजन परोस भी दिया, खिला भी दिया और अपने प्रण की लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली। अच्छा किया है? खिला दिया? जी प्रभु। किसको खिला दिया? हम तो अभी की बात नहीं कर रहे हैं स्वामी, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो भोजन खाकर, डकारे लेकर और आपको ढेर सारे आशीर्वाद देकर चले भी गए। कौन? वही 101 भिखारी जिनको हमने भोजन पर आमंत्रित किया था। जी प्रभु, हमने इस घर की सुख शांति और आपके रुष्ट गुणों को शांत करने के लिए प्रण लिया था कि पूरे 201 भिखारियों को भोजन कराएंगे। इसे करा दिया, अब आप देखिएगा इस घर में सब मंगल ही मंगल होगा। क्या स्वामी? हम क्या खाएंगे? नहीं, आप तो अभी एक और सप्ताह कुछ नहीं खा सकते। क्यों, क्यों नहीं खा सकते? प्रण स्वामी, प्रण। प्रण के अनुसार जब तक आपके दुष्ट ग्रह शांत नहीं हो जाते, तब तक आप अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। विधवा हो जाऊंगी स्वामी। हम तो अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं ना माता? हाँ, तुम दोनों कर सकते हो। बच गए भगवान। नहीं, तुम दोनों एक काम कर सकते हो कि हम जब बाकी बचे हुए भिखारियों को भोजन कराएंगे ना, तब तुम दोनों भी उनके साथ बैठ जाना। और हम? नहीं स्वामी, अभी आप उनके साथ नहीं बैठ सकते। आप तो शीघ्र से शीघ्र ही खाद्य सामग्री का प्रबंध कीजिए। घर में अन्न का एक दाना नहीं रह गया है और हमें बाकी भिखारियों को भी भोजन कराना है। और हाँ स्वामी, आप शीघ्र से शीघ्र स्नान करके पूजा गृह में आ जाइए। अभी हमें पूरे के पूरे डेढ़ पहर तक मंत्र जाप करना है। तो आप कीजिए, हम क्यों? आपने करना है स्वामी, और वो भी शीर्षासन अवस्था में। यही तो प्रण है। शीघ्र ही आइएगा स्वामी। हाँ गुरुजी। आचार्य को संदेश वाहक का नमन गुरुदेव। हाँ। आपको महाराज ने महल में बुलाया है। हाँ आते, जाइए। अभी बुलाया है आचार्य, तत्काल आने को कहा है। ऐसी कौन सी प्रलय आ गई? पता नहीं आचार्य, परंतु तत्काल आने का आदेश दिया है। चलिए आइए। आई रे आई, आज तो मिलन की पहली रात आई। आई रे आई, आज तो मिलन की पहली रात आई। ए बंधु। तुझे क्या हुआ, क्यों सावन के झूले की तरह लहरा रहा है? तेरे लिए रामा, आखिर तेरी प्रथम मिलन की रात आ ही गई। हाँ, और तेरे सोने का समय भी हो गया बंधु, चल अब सो जा। अरे सुन, अरे नहीं रामा, ऐसा मत कर। रामा रामा, सो जा बंधु, सो जा। तुम मित्र नहीं शत्रु है शत्रु। शुभ रात्रि। देख देख कैसा भागा जा रहा है बुढ़ा, कहाँ तक भागेगा? अभी थोड़ी देर में भूख से चक्कर खा के गिर जाएगा। तब तक हमें इस बुढ़ों का अंतिम संस्कार पक्का है मेरे भाई। जय हो गुरु माता। जय हो, जय हो। क्या है? क्या है ये? हमेशा हमारी पीठ के पीछे बड़बड़ बड़बड़ क्या करते रहते हो? यही बात कर रहे थे कि इतनी रात को अचानक महाराज ने आपको क्यों बुला लिया? खुजली हो रही। महाराज के? अरे मूर्ख, हमारे कहा हाथ में, अर्थात धन का युग है, कहीं से धन आने वाला है।
होता है गुरुजी, सावन के अंदर को तो हरा हरा ही सूझता है। चुप। चलो हमारी याद आ ही गई। याद तो हर क्षण आती थी, परंतु ये रात आ जाए कि कितनी सुंदर हो तुम। ये कैसा प्रेम है शारदा, जो प्रेम कम और प्रतिशोध की भावना ज्यादा अनुभव होती है। उठा लो उठा लो। अरे अभी तो तुम्हारा थप्पड़ उठाया अपने गाल पर, और क्या उठाऊं? शपथ उठा लो कि प्रेम ही था, वो तो बस आवेश में। अच्छा फिर ठीक है, था ना? हाँ। मुझे वहाँ नहीं सोना। क्यों क्यों वहाँ नहीं सोना? नया ढाल है ना, नींद नहीं आ रही है। मैं तो यही दूंगा तुम दोनों के पास। आपको भय नहीं लगता यदि किसी को पता चल गया कि हमारे शयन कक्ष में कोई बाहरी पुरुष है? तो महाराज तो आपको जीवित दीवार में चुनवा देंगे। अच्छा अब हम चलते हैं, महाराज के आने का समय हो गया है, हम आपसे कल मिलते हैं। कोई अस्त्र शस्त्र है तुम्हारे पास? हैं? अरे कोई अस्त्र है शस्त्र है, अरे कोई हथियार है तुम्हारे पास मूर्खो? क्या बात कर रहे हैं गुरुजी, आप तो ठहरे भोगी मतलब योगी और हम हैं आपके चेले, भला हमारे पास अस्त्र शस्त्र का क्या काम? हमारी अस्त्र शस्त्र तो आपकी कपटी बुद्धि ही है। हमारी इसका मतलब है हमारी कपटी बुद्धि। किसी काम के नहीं तुम दोनों। ये ले बताता हूँ, देख बुंडप्पे तू आज की रात यहाँ नहीं सो सकता। क्यों नहीं सो सकता? क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूँ। तेरे कहने से क्या होता है? होता है
देख गुंडप्पा, आज के ग्रह नक्षत्रों के अनुसार यदि तू यहाँ सोया तो तुझे जीवन भर घंटियां नहीं मिलेंगी खेलने के लिए। अरे सही बात कर रहा हूँ, तू सोच तेरा जीवन बिना घंटियों के कैसा होगा? क्या तू ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहेगा जिसमें घंटियां नहीं होंगी, घंटियों की टन 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 आवाजें नहीं होंगी? तू सच कहला है? और नहीं तो क्या, तू जानता है कि रामा कभी झूठ नहीं बोलता। और फिर सिर्फ आज, कल से सब ठीक हो जाएगा। पत्ता? पत्ता मतलब एकदम पत्ता। भी ठीक है। ठीक है? साधन नहीं। पहचान तो हमें गया होगा तू दुष्ट, हम हैं राज पुरोहित तथा चार्य। चारों दिशाओं से घिर चुका है पापी। तीन दिशाओं से गुरुजी। चौथा तो ये स्वयं है। हमें पता है, हिलना नहीं। तेरा ये दुस्साहस कि तू महाराज की अनुपस्थिति में महारानी के शयन कक्ष में प्रवेश करे और यहाँ रासलीला मनाए। आने दे महाराज को, फिर देख कैसे वो तेरे शरीर को छिन्न भिन्न करके तेरा अस्तित्व मिटाते हैं। ये हम ही हैं आचार्य। और ये भी तो हम ही हैं, तेरी अकाल मृत्यु। ये महाराज की आवाज में क्यों बात कर रहा है? क्योंकि हम महाराज ही हैं। ये देखिए, महाराज। जी हाँ महाराज, विजयनगर के महाराज श्री कृष्णदेव राय। क्षमा कीजिएगा महाराज, हमने आपको पहचाना नहीं था। इसमें आपकी कोई त्रुटि नहीं है आचार्य वर, हम स्वयं को नहीं पहचान पाए तो आप हमें कैसे पहचानते आचार्य? परंतु महाराज, वो महारानी आपको ऐसे संबोधित कर रही थी जैसे आप कोई और हैं। आप तो जानते हैं आचार्य वर, अचकेलियां करना उनका स्वभाव है, तो आस परियास में किसी और नाम से संबोधित कर रही थी हमें। पर महाराज, ये बहरूप, ये वेश, ये किस लिए? वो सब छोड़िए आप आचार्य, आप हमें ये बताइए कि हम इस बहरूप में लग कैसे रहे। बहुत अच्छे महाराज, बहुत अच्छे। कोई हमें पहचानेगा तो नहीं? असंभव महाराज, बिल्कुल असंभव। औरों की तो छोड़िए, क्षमा कीजिएगा, यदि आज यहाँ पर आपकी स्वर्गीय माता जी भी होती तो वो भी आपको नहीं पहचान सकती। जी, हमारी स्वर्गीय माता जी, उन्हीं के लिए आपको यहाँ बुलाया था हमने। स्वर्गीय माता जी के लिए? जी आचार्य। परंतु ईश्वर उनकी पुण्य आत्मा को शांति दे, वो कहाँ रही? वो तो बहुत पहले स्वर्ग से धार चुकी है। जी, आपको भी वहीं जाना होगा। जी, कहाँ जाना है? स्वर्ग में हमारी माता जी के पास। चलो धरती का भूजल का हुआ। क्यों? क्षमा करें महाराज, हमसे क्या भूल हो गई महाराज? आप हमें स्वर्ग क्यों भेज रहे हैं महाराज? ये हमारी आयु है स्वर्ग जाने की? नहीं महाराज, महाराज देखिए, अभी हमने कुछ देखा ही नहीं है। आप देखने को लेके गए इस बुड्ढे के लिए, क्या धरती की अंतिम प्रजाति का भी अंत देख के बनेगा? इतना जी लिया, ये क्या कम है बुड्ढे के लिए? उठा लो। क्या उठा लो? हमारा घूंघट उठा लो, कहीं ये रात भी ऐसे ही ना बीत जाए। उठा तो लूं, परंतु घूंघट उठाने के लिए घूंघट होना भी तो चाहिए ना। क्षमा कीजिए। Thank you.
कैसे? मतलब ये इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकती है कि मैं अपने मिलन की पहली रात्रि नहीं मना सकता? आत्मविश्वास से कैसे कह सकती है कि मैं अपने मिलन की पहली रात्रि नहीं मना सकता? नहीं नहीं, कह रही है कि आप आज मिलन की प्रथम रात्रि नहीं मना सकते। क्यों? आज अमावस्या का योग है और ऐसे में ग्रह अशांत होते हैं। ऐसे में मिलन की प्रथम रात्रि मनाए तो आने वाले जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इसलिए क्या? इसलिए उठा लो। क्या उठा लो? अरे हमें कह रही है अपना बिस्तर उठा लो, चलो इनके साथ। कहाँ? इनके साथ सोने। अरे नहीं, अरे शारदा सुनो तो। अरे ये अब तो शारदा भी गई और इसका ग्लर नेस्ट चेस्लर भी गया, अब तो तानी सुनाई दे। बात ये है कि हम एक दुविधा में हैं और केवल आप ही है जो हमें इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं। कैसी दुविधा महाराज? आचार्यवर बात यह है कि हमारी स्वर्गीय माताजी की पुण्यतिथि आ रही है। हम जानते हैं, पिछले 2 वर्षों से हम ही तो संपन्न करवा रहे हैं पुण्यतिथि की पूजा। संयोग की बात है, कल रात्रि हमारी माताजी हमारे स्वप्न में आई। अच्छा जी। और हमें स्मरण हुई उनकी अंतिम इच्छा। कौन सी अंतिम इच्छा महाराज? रत्नागिरी के आमों का स्वाद चखने की इच्छा। हमारी माता जी को रत्नागिरी के आम का स्वाद लेना था, किंतु इससे पहले कि उनकी इच्छा पूरी होती उनका निधन हो गया और उनकी ये अंतिम इच्छा अधूरी रह गई मुनिवर। अब हमारी दुविधा ये है कि हम इनकी ये अंतिम इच्छा पूरी कैसे करें। मुनिवर आप तो त्रिकाल दृष्टा हैं, स्वर्ग नर्क भू पाताल हर जगह आपकी पहुंच है। हम चाहते हैं कि आप अपने संपर्क सूत्र स्वर्ग तक जोड़िए और पता लगाइए कि हम अपनी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा पूर्ण कैसे करें। अवश्य महाराज, अवश्य। हम आज ही साधना पर बैठते हैं और अपनी साधना शक्ति द्वारा पता लगाते हैं कैसे आपकी माता जी की अंतिम इच्छा पूरी की जा सकती है। धन्यवाद मणिवर। सावधान, जो अपनी जगह से हिले तो। कौन हो तुम और इतनी रात में इस महल में क्या कर रहे हो? मंत्रीवर आप? महाराज आप, आपने तो हमें डरा ही दिया था महाबली। क्या बात है मंत्रीवर, क्या भेष बदला आपने? सो तो है महाराज, वैसे भेष बदलने में ना हमारा तो कोई जवाब ही नहीं, कोई 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 सानी नहीं। अच्छा, मेरा मतलब है आपका भी कोई कोई सानी नहीं महाराज। हमारा भी ही ही महाराज, ही आपका ही कोई सानी नहीं महाराज। अब भी तो हमारे साथ ही ठीक लगता है। अब देखिए ना, आपने क्या भेष बदला है, कमाल का भेष है महाराज। इसे कहते हैं भेष, इसे कहते हैं परिभाषा भेष की। ना कोई कह सकता है कि इस बहरूप के पीछे स्वयं विजयनगर नरेश महाराज श्री कृष्णदेव राय हैं। महाराज कृष्णदेव राय की धीमे महामंत्री, अगर किसी ने सुन लिया तो पकड़े जाएंगे हम। चलिए चलिए शीघ्र चलिए, वैसे भी निकलने में काफी विलंब हो गया महाराज। वो विलंब हमारी वजह से हुआ है महामंत्री। हम यहाँ आने से पहले भूल से महारानी तिरुमलम्बा के कक्ष में चले गए थे और उन्होंने हमारे लिए कुछ विशेष व्यंजन बनाए थे, इसलिए थोड़ी देर हो गई। हम समझ सकते हैं महाराज। आप क्या समझ सकते हैं इसमें?
आपकी कर्तव्य निष्ठा महाराज, और क्या समझे और समझने में बचाई क्या है महाराज, मतलब आंधी हो या प्रलय आ जाए, परंतु आप माह में एक बार अलग अलग वेशभूषा में राज्य में रात को निकलकर अपनी प्रजा का हालचाल पूछना कभी नहीं छोड़ते। आवश्यक है महामंत्री, आवश्यक है, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी प्रजा हमारे बारे में, हमारे शासन के बारे में क्या सोचती है। इसी तरह तो हमें हमारी प्रजा का सुख दुख पता चलता है। अब चले, विलंब हो रहा है। चलिए महाराज। तो किस गांव से हो भैया? तेनाली से। तेनाली गांव? अरे वही ना जो महाराज के लाडले पंडित राम कृष्णा का गांव है। ऐसे क्यों कहते हो भैया, इसमें लाडले वाली क्या बात है, रामा कृष्णा एक ज्ञानी पंडित है, बुद्धिमान पंडित है, सारा नगर उनकी बुद्धि कौशल की सराहना करता है, राजा भी करते हैं, इसमें बुरा क्या है? अरे इसमें बुरा कुछ नहीं है भैया। अच्छा ये बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि महाराज पंडित रामा कृष्णा पर अधिक मेहरबान है? धन दिया, घर दिया, यहाँ तक अपने दरबार में पद भी दिया। ये बताओ, इन सबसे आभास नहीं होता कि महाराज के हृदय में उनके प्रति अलग स्थान है, और ये स्थान उन्हीं को प्राप्त होती है जिसे राजा जाति के रूप में पसंद करते हैं। होना तो नहीं चाहिए ऐसा, राजा की दृष्टि में तो सभी को एक समान होना चाहिए। वही तो भैया, यही मैं कह रहा था। महाराज ये लोग तो यूं ही बातें कर रहे हैं, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, अरे लोगों का तो काम है बोलना। नहीं महामंत्री जी, प्रजा अपने राजा के बारे में क्या सोचती है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि हमारी प्रजा हमारे कार्य हमारे निर्णय को वैसे नहीं देख पाती जैसे हम देखते हैं तो समझ लीजिए हमसे कोई चूक हो रही है। मन मोहक रूप है जिसका, महाबली सिकाए दुख करता दुख हरता, महाराजा श्री कृष्ण देव राय तीनों लोगों के स्वामी कहलाए, हमारे कृष्ण देव राय तीनों लोगों के स्वामी कहलाए, हमारे कृष्ण देव राय। राम मुनिवर, इतनी रात को आप कहां से आ रहे हैं? और गांव से आए हैं, वैरागी हैं। आइए आइए ऋषिवर, हमारे साथ बैठिए, विश्राम कीजिए, आइए। अवश्य अवश्य, थोड़ा सा विश्राम तो कर ही सकते हैं हम। आइए बोलो, अरे हटो रहे, लगता है आप सब अपने राजा को बहुत प्रेम करते हैं। जी जी, बहुत आदर करते हैं उनका। जी जी जी, आपका गीत सुना थोड़ा सा अच्छा लगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन आप सभी लोग इस समय यहाँ पर पौष क्या? पौष? ये पौष क्या है? वो क्या है ना ऋषिवर, कि हम सब लोग पत्नी उत्पीड़न के शिकार हैं। हमारी पत्नियाँ जब जब उत्पीड़न करती हैं, हम लोग यहाँ आकर बैठ जाते हैं, और हमने इस जगह का नामकरण भी कर दिया पौष, पत्नी उत्पीड़न संघ। और जब हमारी पत्नियों का क्रोध शांत हो जाएगा तो हम सब लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे। कमाल है, भला कोई अपनी पत्नी से इतना डर सकता है क्या? इसमें कौन सी बड़ी बात है मुनिवर, जब हमारे वीरों के वीर राजा श्री कृष्ण देव राय जो कि किसी से नहीं डरते हैं, वो भी अपनी धर्म पत्नी महारानी तिरुमल अम्बा के सामने आते ही बिल्ली बन जाते। फिर हम किस खेत की मूली है भाई? अरे महाराज है तो क्या हुआ, है तो हमारी तरह पति ही, अरे वो भी अपनी पत्नी के आगे आत्मसमर्पण कर देते होंगे जैसे हम लोग अपनी अपनी पत्नियों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। पता नहीं ये कान में क्या चला गया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा हम लोग चलते हैं, जैसी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। कल्याण। शारदा,
शारदा उठ शारदा, भोर हो गई है, जल्दी उठ शारदा। माँ उठ रहे हैं ना, धीरज रखिए। अम्मा अब तो हम नींद में भी आपकी लाठी की भाषा समझने लग गए। लो उठ गए, प्रणाम। केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, रामा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रामा तो पहले जैसा रामा रहा ही नहीं, बिल्कुल बदल गया। महाराज ये कन्या कौन है? ऐसा लगता है हमने पहले कभी नहीं देखा है। महाराज बड़े आश्चर्य की बात है, क्या आप इन्हें भूल गए? ये शारदा देवी अपने पंडित रामकृष्ण की धर्मपत्नी, बसंत पंचमी के दिन रामा के साथ ही तो थी उनकी राधा के रूप में। और महाराज ये वही घर है जो आपने भेंट स्वरूप रामकृष्ण को दिया है। तुम्हें लगता कि महाराज पंडित रामकृष्ण पर अधिक मेहरबान है? धन दिया, घर दिया, यहाँ तक अपने दरबार में पद भी दिया, और इससे यह भास नहीं होता कि महाराज के दिल में रामकृष्ण के लिए एक अलग ही स्थान है? राजा की दृष्टि में तो सभी को एक समान होना चाहिए। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। मंत्रीवर, ये रामकृष्ण स्वयं को एक आदर्श पंडित और गुणवान व्यक्तित्व का स्वामी दर्शाते हैं। हम उसकी वास्तविकता जानना चाहते हैं। मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। हम इसी समय इसी भेष में इनके गृह में प्रवेश करेंगे। उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। भिक्षाम दे माते, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे माते। अब क्षमा कीजिए ऋषिवर, परंतु इतनी सुबह सुबह भूख मृत्यु भाग्य सौभाग्य संपत्ति विपत्ति ये सब समय दिख के थोड़ी आते, हमें भूख लगी थी तो तेरे द्वार पर आ गए पुत्री। किंतु यदि तुझे कोई आपत्ति है तो कोई बात नहीं, हम खाली हाथ ही लौट जाते हैं। चलिए रुकिए मुनिवर, रुकिए प्रभु, रुकिए, रुक जाइए। करियो शारदा, कह रहा है साधु को कोई खाली हाथ लौटाता है क्या भला? ये रामा हमारा वो तात्पर्य नहीं था। मैं जानता हूँ, पर इन्हें तो यही प्रतीत हुआ होगा ना कि हम इन्हें भिक्षा देना नहीं चाहते। मुनिवर मैं अपनी पत्नी की ओर से आप दोनों से क्षमा मांगता हूँ। अहो भाग्य मेरे कि आपकी सेवा का सुअवसर मिला। आइए ना, भीतर आइए प्रभु, भिक्षा ही क्यों, भोजन करके जाइए, जो भी चाहेंगे बना दिया जाएगा। अपने शुभ चरणों से इस घर को और पवित्र कर दीजिए। आइए आइए प्रभु आइए। जो जहां है वही खड़ा रहेगा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा कोई। अम्मा क्या कर रही हो? सौभाग्य से साधु घर पधारे हैं और तुम इस तरह से कह रही है? ये साधु नहीं है, है? इन्होंने इन्हें पहचान लिया है। ये साधु के भेष में हाँ। स्वयं
भगवान हमारे यहाँ पधारे हैं। उठा लो। क्या? उस जल का लोटा उठा लो, उठा के इनके चरण दो और इन्हें धन्यवाद करो कि ये यहाँ आए हैं और इन्हें अंदर आने का निमंत्रण दो। क्षमा करें प्रभु, ये मेरी अम्मा है, इन्होंने आजीवन मौन व्रत धारण किया है इसलिए इस तरह सांकेतिक भाषा में बात करती है। और ये मेरी धर्मपत्नी शारदा है, पूरे संसार में केवल यही है जिसे इनकी सांकेतिक भाषा समझ में आती है। दोनों ही बहुत अद्भुत हैं। आइए आइए प्रभु, आइए आइए। ये गुंडप्पा है, मेरा सबसे करीबी और प्रिय मित्र। गुंडप्पा, ऋषिवरों को प्रणाम करो। गुंडप्पे, मेरे अच्छे गुंडप्पे, ऐसा मत कर, ये साधु हैं, अतिथि हैं, और अतिथि तो भगवान समान होते हैं ना, इसलिए यहाँ से कुछ भी निकालने का सोचना भी मत। हाँ, अरे गुरुवर, आप मत घबराइए, वो जो आपकी धोती के साथ घंटियां लटक रही है ना, ये उन्हें देखकर उत्तेजित हो रहा है। क्या है कि घंटियां इसकी कमजोरी है, जहां भी घंटियां देखता है निकाल कर खेलने लगता है, गधा कहीं का। अब ये लो। अच्छा, अब हम चलते हैं। भिक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समय और मिल जाता और आप दोनों को भोजन खिलाने का सौभाग्य मिल जाता तो जीवन धन्य हो जाता प्रभु। मेरी धर्मपत्नी बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाती है, मुझे विश्वास है आप दोनों को अवश्य पसंद आएगा। भूख तो लगी है। लगी तो हमें भी है। ठीक है, परंतु घर में कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं, घर में जो भी है ले आइए, मिष्ठान विष्ठान जो भी है खा लेंगे। अम्मा कह रही है कि इन्होंने जांच लिया है कि ये मिष्ठान आपके भोग के लिए बिल्कुल स्वादिष्ट और सुरक्षित है, अब आप इन्हें ग्रहण कर सकते हैं। आपकी माता जी ने मौन व्रत अवश्य धारण किया है किंतु बातें करना इनको अच्छा लगता है। बहुत ही स्वादिष्ट थे, आनंद आ गया। कल्याण, यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद ऋषिवर। बस इस घर परिवार
और विशेषकर इस रामा पर सदैव अपने आशीर्वाद का हाथ बनाए रखेगा। अवश्य। अब हम चलते हैं, कल मिलेंगे। शीघ्र मिलेंगे हम। मैं समझ गया मुनिवर, अब आज की सुबह तो हो ही गई, आज हम मिल भी लिए, अब तो आप आज विश्राम करेंगे, कल ही मिलना होगा। यदि प्रभुवर की आज्ञा हो, मेरा कहने का अर्थ है यदि ऋषिवरों का आशीर्वाद रहा तो। निष्कर्ष निकाला महाराज? यही कि मिष्ठान बहुत स्वादिष्ट थे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।